कैसे हैं आप लोग? आप में से बहुत से लोगों ने मल्टी वेंडर के बारे में पूछा कि क्या हम इस तरह के मल्टी वेंडर जो अमेज़ॉन बनाते हैं, फ्लिपकार्ट बनाते हैं, तो क्या इस तरह के मल्टी वेंडर की चीज़ें हम बना सकते हैं? तो इसके लिए कि मैं कई एक वीडियो बना चुका हूं कि ओकॉमर्स में किस तरह से अमेज़ॉन टाइप वेबसाइट बनाएंगे और इस तरह से आपका सारी चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं यहां पर, जैसे बिग बास्केट जैसा है। तो आज मैं लेकर आया हूं कि एग्जैक्ट अमेज़ॉन जैसी वेबसाइट अगर आपको बनाना हो PHP में तो किस तरीके से बना सकते हैं और क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम PHP में जिस तरह के अमेज़ॉन की वेबसाइट है सेम उसी तरह की चीज़ें हम बना लें। लॉकडाउन के पीरियड में, जिस लॉकडाउन के बारे में कहा गया स्टे होम स्टे से, यानी आप घर पे बैठे रहेंगे तो आप बिल्कुल सेफ रहेंगे। जी हाँ, अगर आप इस दौरान भी आप चाहते हैं कि आप अपना ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करें तो इसके लिए कैपिटल टेक्नोलॉजी आपको जबरदस्त ऑफर दे रहा है कि यहाँ पे आपको ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सारी चीजें A to Z अवेलेबल है। ठीक, अब बिजनेस सेटअप करने से लेकर प्रमोशन करने तक फिर देर किस बात की, आज ही बुक कीजिए और पहले आइए पहले पाइए का हिस्सा बनिए। जी हाँ, बिल्कुल पॉसिबल है। आज मैं यही कंपैरिजन करने के लिए आया हूँ। अमेज़न एक बहुत बड़ी कंपनी है और ये कि इससे मुकाबला करना इतना आसान नहीं है, बट यह है कि हम इसको सेम एज इट इज इसी तरह की चीज़ें हम आराम से इजीली बना सकते हैं, डिज़ाइन करा सकते हैं, इनके क्या क्या फीचर्स होंगे, इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको जिस तरह से लोगो दिख रहा है कि सेम एज इट इज ये यहाँ पे आपको लोगो दिखेगा। यहाँ पे जैसे आपका शॉप बाय कैटेगरी है तो यहाँ पे आप शॉप बाय कैटेगरी देख सकते हैं। जैसे आपको यहाँ पे अमेज़न के अंदर भी शॉप बाय कैटेगरी का ऑप्शन यहाँ पे होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैं ऑलरेडी साइन इन इस वजह से इस तरह का शॉप बाय कैटेगरी यहाँ पे नहीं दिख रहा है, तो ये है शॉप बाय कैटेगरी। ठीक है, ये मुझे लॉग इन होने की वजह से यहाँ से दिख रहा है शॉप बाय कैटेगरी। तो इस तरह का शॉप बाय कैटेगरी का बड़ा अच्छा खूबसूरत से इंटरफेस है। उसके बाद आपका मेन्यू है कि यहाँ पे के जो भी एक मेन मेन्यू है ये आपका मेन मेन्यू यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह का आपका ये विश लिस्ट है कि आपका ऑर्डर रिटर्न वगैरह है, जो भी चीज़ें हैं इसमें भी सेम एज इट इज आपको यहाँ पे भी इसी टाइप की चीज़ें मिल जाएंगी। और एक बात ये कि इस मल्टी लैंग्वेज है, आपका किसी भी टाइप का लैंग्वेज, चाहे बंगला हो, अगर आप बंगाली हैं तो बंगला, इस तरह से आपका अरबिक है, या इसी तरह से आप स्पेनिश वगैरह है या फ्रेंशियन है, ये जो कुछ भी लैंग्वेज जो आप जिस लैंग्वेज पे भी आप इसमें बनाना चाहते हैं, मल्टी लैंग्वेज सपोर्टेड है, बिल्कुल आसान और इजी के इजी स्टेप है। उसके बाद का आप बात कर ले यहाँ पे खूबसूरत से एक स्लाइड वगैरह है, तो इनके बारे में फुल रिव्यू करने से पहले मैं देखता हूँ कि इनकी जो मोबाइल ऐप होती है ये क्या रिस्पॉन्सिव है नहीं है। इस तरह का ये आपका इंटरफेस आपका अमेज़न का दिखेगा, बट आपका जेड कार्ड का जो इंटरफेस दिखेगा इस टाइप से दिखेगा। मोबाइल बड़ा फ्रेंडली है, तो मोबाइल में ये 100% ये रिस्पॉन्सिव है और ये मोबाइल के अंदर बड़ा खूबसूरत सा दिख रहा है, आप देख सकते हैं। तो आइए मैं इसका जो मोबाइल ऐप है मैं उनके ऐप की तरफ चलता हूँ और देखता हूँ कि ये ऐप में इसकी खूबसूरती क्या है, किस तरह से दिखता है। क्योंकि आज के डेट में सबसे ज़्यादा जो यूज़ होने वाले हैं क्या है, वो सबसे ज़्यादा मोबाइल ऐप्स यूज़ होने वाला है क्योंकि लोगों के पास सबसे ज़्यादा मोबाइल ऐप है। तो ये है कि हम आ चुके हैं यहाँ पे एक मोबाइल ऐप पे, देखिए कितना खूबसूरत सा एक इंटरफेस है और बेहतरीन से इंटरफेस है। आप इसको स्क्रॉल करते रहें, नीचे की तरफ ही चलता रहेगा आपका, बड़ा खूबसूरत सा इंटरफेस है। यहाँ पे आपके वो सारे कैटेगरीज आ जाएंगे, छोटे छोटे मेन्यू में कैटेगरीज हैं, बड़ा खूबसूरत सा कैटेगरीज। यहाँ पे आपका स्लाइड आ गया, यहाँ पे आपका स्लाइड ऑटोमेटिकली चल रहा है। ऐसे इस तरह से ट्रेंडिंग के जो प्रोडक्ट्स हैं वो ट्रेंडिंग के प्रोडक्ट्स का आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं और एक एक लाइन में देखते हैं चार चार प्रोडक्ट्स आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो ठीक है, इस तरह का खूबसूरत सा एक इंटरफेस है और यहाँ पे अगर आप किसी कैटेगरी पे आप क्लिक करेंगे तो कैटेगरी पे क्लिक करने के बाद उसके सारे के प्रोडक्ट्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। जैसे कि अभी मैं होम की बात कर लूँ तो यहाँ होम पे देखिए कितना खूबसूरत सा कैटेगरी है और इस कैटेगरी के अकॉर्डिंग देखिए कितना जबरदस्त सा लेआउट है। ठीक है,
लेआउट है, आपको लुक लाइक अमेज़न ही की तरह से आपको दिखेगा। ये आपके लिए हर तरह की चीजें आप कर सकते हैं इसमें, चाहे ग्रोसरी के हो, चाहे आपका क्लॉथ के हो, चाहे आपके किसी भी डिपार्टमेंट के चीजें हो, आप आराम से इजीली इनको चीजों को हैंडल कर सकते हैं। किसी ये ऑफर है, ये जबरदस्त ऑफर का सिस्टम दे रखा है कि टाइमर चल रहा है, कोई ऑफर है इसमें के देखिए कि फ्री शिपिंग कहाँ कहाँ है, कौन कौन सी जगह में है, इंडिया में है और कहाँ कहाँ के इसका शिपिंग का मेथड है, कौन से मेथड है, सारी चीज इसमें अवेलेबल है। ठीक है, तो इस तरह की चीजें, ये आपका रेटिंग का ऑप्शन आ गया कि आपका उसी चीज कस्टमर का रेटिंग उसी प्रोडक्ट के नीचे वो डाल सकता है। एक खूबसूरत सी बात इसमें यह है कि अगर कस्टमर डायरेक्ट बात करना चाहे, चैट करना चाहे, तो चैट भी कर सकता है। इसके लिए आपको लॉग इन होना बहुत जरूरी है। सेलर का नाम यहाँ पे मेंशन है, सेलर के नाम से अगर विजिट करना चाहे कि उस सेलर के पास क्या क्या चीजें हैं तो भी आप कर सकते हैं। यानी कि आप ये चाहें कि उस सेलर से ही, पार्टिकुलर सेलर से बात करना, ये प्रोडक्ट्स देखना है या उसी के स्टोर पे देखना है, यानी स्टोर से भी अगर आप पार्टिकुलर किसी स्टोर से भी अगर बाय करना चाह रहे हैं तो आप बिल्कुल इजीली बाय कर सकते हैं। ये आपका क्लॉथ का है, बिल्कुल देखिए कितना खूबसूरत सा इंटरफेस है और देखने में कितना जबरदस्त लग रहा है। ठीक है, तो आइए हम एक एक करके सबके रिव्यू करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके का काम करेगा और ये कैसे होगा या क्या है, पॉसिबल है या नहीं है, अगर पॉसिबल है तो कैसे हो सकता है। ये देखिए कितना खूबसूरत सा यहाँ पे स्लाइड ये लगा हुआ है, बैनर लगा हुआ है। आप यहाँ अमेजोन में देखेंगे तो अमेजोन में भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बैनर लगे हुए हैं। इसी तरह से अगर आप फ्लिपकार्ट को देखें तो फ्लिपकार्ट में भी सेम एज इट इज इसी तरह का भी बैनर लगा हुआ है। आप फ्लिपकार्ट सर्च करके देख सकते हैं और उसमें के इंटरफेस देख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे आज फ्लिपकार्ट की तरह कंपेरिजन नहीं करना चाहता हूँ। यहाँ पे जो आपका होने वाला है वो अमेजोन टाइप के होने वाला है। ठीक है, यहाँ पे देखिए खूबसूरत सा बैनर, अगर आप इसमें भी देखेंगे तो आपको इसमें भी ऐसे ही मिलेगा। फ्लिपकार्ट में भी एक खूबसूरत सा बैनर है, बैनर का डील ऑफ द डे, उसका यहाँ पे एक बैनर डाल के रखा है। ठीक है, सिर्फ इस तरह की चीज अगर बनाना चाहे फ्लिपकार्ट जैसी या अमेज़न जैसी, तो इस तरह की वेबसाइट पीएचपी में आराम से यार इजीली बन जाएंगे, बिल्कुल इजी एंड फास्ट वे में। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं सिंगल प्रोडक्ट्स के बारे में। कोई डिस्काउंट देना हो, कोई नया ऑफर देना हो, तो ये आपका फ्लैश शॉपिंग चलता रहेगा। नए ऑफर के तौर पर आप यहाँ पे बिल्कुल इजीली मेंशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो इस तरह की चीज अगर आप हम बात कर लें सिंगल प्रोडक्ट्स की, सिंगल प्रोडक्ट्स किस तरह से होगा, कैसे होगा, यहाँ पे अगर स्क्रॉल करना चाहेंगे आप स्क्रॉल भी कर सकते हैं, इसको अगर फुल विद करना चाहेंगे तो फुल विद भी कर सकते हैं। लुक लाइक जिस तरह से अमेजोन की है या लुक लाइक जिस तरह से फ्लिपकार्ट जैसे ये फुल विद में है, तो इस टाइप से फुल विद भी पॉसिबल है, बिल्कुल इजी है, कोई इसमें कोई ज्यादा मगजमारी की चीज नहीं है, बिल्कुल आराम से इसको हम फुल विद भी बना सकते हैं। ठीक है, इस तरह के अगर हम बात कर लें इसके सिंगल पेज की, तो आपको सिंगल पेज इस टाइप से दिखेगा। इसका जो इंटरफेस है बड़ा खूबसूरत सा इंटरफेस है सिंगल पेज की भी। यहाँ पे का आप देखिए कितना खूबसूरत सा दिख रहा है कि इसका लुक एंड फील आप सेम इस तरह से आप अमेजोन की इंटरफेस ओपन करके देख सकते हैं। तो अमेजोन के इंटरफेस भी क्या आप सिंगल पेज का देखेंगे तो आप सिंगल पेज का आपका इस तरह से दिखेगा। ठीक है, तो इस तरह से दिखेगा। यहाँ पे भी अमेजोन में बहुत सारी चीजें इसमें डला हुआ है, तो सेम इसी तरह का हम इंटरफेस अगर हम बनाना चाहें तो बिल्कुल बना सकते हैं। ऐड टू कार्ट बाय ऑप्शन है, सेम यहां पे भी आपको ऐड टू कार्ट का ऑप्शन मिल जाएगा या बाय नाउ का भी ऑप्शन मिल जाएगा। यहां पे किस किस के थ्रू के ये सेलर का नाम मिल जाएगा, जबकि ये फीचर्स अमेज़न के अंदर होता तो है लेकिन अमेज़न में इतना हाईलाइट नहीं किया जाता है, बट आपको यहाँ पे हाईलाइट करके दिखाया जाएगा सेलर इसमें कौन है। अगर इस सेलर के अगर आप देखना चाहेंगे कि ये कितना प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, उस सेलर के बारे में जानना चाह रहे हैं तो आप इस सेलर के बारे में भी बिल्कुल इजीली जान सकते हैं। ठीक है, उनके स्टोर में विजिट करना चाहे तो आप उनके स्टोर में विजिट कर सकते हैं कि उनके पास कितने प्रोडक्ट्स हैं नहीं है, उनके बारे में अगर जानना हो तो उनके बारे में भी आप जान सकते हैं। देखिए इस तरह से इसका ये क्या उनका खुद का प्रोडक्ट्स है। ठीक है,
इसी तरह से आप यहाँ पे सोशल शेयरिंग की बात कर लें तो आप सोशल शेयरिंग भी आपको मिलेगा। अगर आप अमेजोन में कंपैरिजन कर लेंगे तो क्या सोशल शेयरिंग इसमें आपको दिया हुआ है, बट इसमें व्हाट्सएप शेयरिंग इसमें दिया हुआ नहीं है। ये आप देख सकते हैं इसमें व्हाट्सएप शेयरिंग नहीं है, बट आपको इसमें व्हाट्सएप शेयरिंग वगैरह भी मिलेगा। ठीक है, इस तरह के सिंगल पेज भी बड़ा जबरदस्त चीज है। कंडीशन की बात कर ले तो कंडीशन किस टाइप की है, नहीं है, वो सारी कंडीशन भी यहाँ मेंशन कर सकते हैं कि यूज्ड है या न्यू है या क्या ओल्ड है या क्या है, सारी चीजें आपको यहाँ पे मेंशन हो जाएगा। ये मेंशन आप बिल्कुल इजीली कर सकते हैं। जी हाँ, इस तरह से ये क्या है कि सेलर के बारे में, हर एक प्रोडक्ट्स के बारे में पूरा एक डला हुआ है। अगर कस्टमर का रिव्यू देखना हो तो आप कस्टमर के रिव्यू वगैरह बिल्कुल आसानी से देख सकते हैं। या वीडियो अगर आप देखना चाहें तो वीडियो भी लगा सकते हैं कि अगर आप प्रोमो वीडियो लगाएंगे तो वो प्रोमो वीडियो अमेज़न में आपको नहीं मिल रहा है। अमेज़न के जो वीडियो है वो प्रोडक्ट ही पे लगते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में भी वीडियो प्रोमो वीडियो लगा रखा है तो आप ये भी चीज आसानी से कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे देखेंगे कि रिसेंट प्रोडक्ट ये टुगेदर, इस तरह की चीज अगर आप चाह रहे हैं कि इसके साथ ये कॉम्बो प्रोडक्ट्स आप बाय करें तो भी पॉसिबल है। ये आपके आसानी है ये कि आप कॉम्बो डील भी कर सकते हैं सेम एज उसी तरीके से जिस तरीके से अमेजोन में भी दिखाता है कि आप इससे रिलेटेड प्रोडक्ट आप क्या करें बाय कर सकते हैं सेम एज ऐसे ही है। ठीक है, ये चीजें अगर आप देखेंगे इसके अंदर की बात आगे जाके कि इसका विश लिस्ट में ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद ऐसे में इसको ऐसे दिखेगा कि इसका सिंगल पे जो चेकआउट पेज है वो इस टाइप से आएगा। कोई अगर आपको कूपन हो तो आप कूपन यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं सेम एज इट इज उसी तरह टाइप से जैसे आप अमेजोन में करते हैं। जी हाँ, अमेजोन में करने के बाद यहाँ पे जैसे देखिए मैंने यहाँ अमेजोन में एड टू कार्ट कर दिया। एड टू कार्ट करने के बाद मैं इसमें चेकआउट के ऑप्शन में आ जाता हूँ। चेकआउट के ऑप्शन में इनका बहुत सारे ऑप्शन आ गया कि इसमें कौन सा लेना है नहीं लेना है, तो मैं यहाँ पे अनटिक कर दिया। सिर्फ इसी को मैं टिक कर रहा हूँ और उसके प्रोसीड टू चेकआउट पे क्लिक कर रहा हूँ। बट आपको यहाँ पे जो मिलने वाला है वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। देखिए कितना नीट एंड क्लीन इंटरफेस है। आप यहाँ पे डायरेक्ट इसे बाइक फ्रॉम दिस सेलर पे क्लिक करेंगे या आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो मैं बाय दिस सेलर पे क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के बाद देखिए कितना खूबसूरत सा एक इंटरफेस आ चुका है। बिल्कुल सिंपल है, कोई मगजमारी नहीं है। आप आराम से इसको ईजिली इसको आप वो कर सकते हैं, फिलअप कर सकते हैं। फिलअप करने के बाद आप क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना चाहें तो आप क्रिएट अकाउंट पे भी क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे का आप अपना का जो भी पासवर्ड है वो पासवर्ड आप यहाँ पे डाल सकते हैं ताकि आपको नेक्स्ट टाइम कोई चीज फिर बाय करनी हो तो फिर आपको पासवर्ड की रिक्वायरमेंट ना हो। अगर आप कोई नया मैसेज छोड़ना चाह रहे हैं सेलर के लिए तो आप मैसेज भी छोड़ सकते हैं। इसके बाद आपके पास ऑप्शन आ जाता है कि आप चेकआउट का ऑप्शन क्या है, तो कैश ऑन डिलीवरी है या बैंक ट्रांसफर है या वायर ट्रांसफर है या फिर आपका जो भी पेमेंट गेटवे आप लगाना चाहें वो सारे पेमेंट गेटवे इसमें लग सकते हैं, पॉसिबल है। मल्टी टाइप के पेमेंट गेटवे, जब मैं इसके फीचर्स के बारे में बताऊंगा तो मैं आपको सारी चीजें आपको ए टू जेड दिखाऊंगा जो कौन कौन सी फीचर्स हम अवेलेबल कर सकते हैं। तो ये देखिए आपका ऑर्डर यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुका है और ये का आइटम के एड्रेस में का ये जो एड्रेस है वो एड्रेस में दिखाया जा चुका है। ठीक है, तो इस तरह से आप ऑर्डर का डिटेल के बारे में अगर आप देखना हो तो ऑर्डर डिटेल के बारे में भी आप बिल्कुल इजीली देख सकते हैं। उनको का ट्रैकिंग करना चाहे ट्रैकिंग कर सकते हैं, अभी ये चीजें इनेबल नहीं है, वो इनेबल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये पेमेंट इंस्ट्रक्शन भी बता दिया कि किस टाइप से पेमेंट है नहीं है, वो चीजें भी इसमें मेंशन हो गया है। आप यहाँ पे डैशबोर्ड देखना चाहें तो डैशबोर्ड देख सकते हैं, कितना खूबसूरत सा डैशबोर्ड है। यूजर डैशबोर्ड है, यहाँ पे कोई मैसेज हो कोई चीजें क्या अगर देखना चाहेंगे, शिपिंग एड्रेस की बात कर लें, शिपिंग एड्रेस यहाँ पे अगर सेट करना चाहेंगे सेट कर सकते हैं या चेंज करना चाहेंगे या बेसिक इन्फॉर्मेशन डालना चाहेंगे आप बिल्कुल ईजिली डाल सकते हैं। माई ऑर्डर के बारे में आप माई ऑर्डर का चीजें देख सकते हैं, यू डोंट हैव एनी ऑर्डर का ये ऑर्डर का अभी क्योंकि ये अभी गया हुआ है मेल पे, मेल वेरिफिकेशन जब तक नहीं होगा तब तक जो है आपको यहाँ पे चीजें सारी चीजें दिखाई नहीं देने वाला। तो
तो ये मेल के थ्रू आप वेरीफाई करना चाहें बिल्कुल इजीली वेरीफाई कर सकते हैं। इसके बाद माय विश लिस्ट की बात है कि माय विश लिस्ट में देख सकते हैं यहाँ पे डिस्पैच का ऑप्शन है, माय कूपन है, माय अकाउंट है, तो इन सारी चीजों के बारे में आप बिल्कुल इजीली आप अपने डैशबोर्ड के साथ मेंशन डैशबोर्ड में मैनेज करना चाहें आराम से कर सकते हैं। जी हाँ, ये तो आपके प्रोडक्ट्स के ये जो वेबसाइट की या फिर यूँ कह लीजिए जो मोबाइल ऐप की जो रिव्यू था वो मैंने आपको रिव्यू किया। अगर आप इसके मोबाइल में भी ऑर्डर करना चाहें तो आप मोबाइल में भी सेम एज इट इज इसी तरह का ऑर्डर कर सकते हैं। पैकिंग ऑप्शन के बारे में भी बताया, अगर आपको अच्छी पैकिंग चाहिए, कुछ ऐसे गिफ्ट पैकिंग चाहिए, कुछ ऐसी तरह की पैकिंग अगर आपको चाहिए तो इस तरह के पैकिंग के भी आपको चार्ज आएगा और चार्ज करके आप पैकिंग करवा सकते हैं। यहाँ पे क्या इंटरफेस, यहाँ पे आपका एड्रेस आ जाएगा, हमने के एड्रेस सेव कर लिया है। इस तरह के इंटरफेस सारी चीज दिख रहे हैं आपको, सीओडी चाहिए, क्या चाहिए, जो भी चाहिए, बैंक ट्रांसफर चाहिए, अगर आपको पेमेंट गेटवे लगाना हो, रोजर पे का लगाना हो, पेटीएम का लगाना हो, या फिर क्या इस तरह से का और दूसरे भी पेमेंट गेटवे लगाना, पे मनी का लगाना हो, स्ट्राइप का लगाना हो, पेपाल का लगाना हो, सारी चीजें पॉसिबल है। मैं अभी बताऊंगा सारी चीजें जो किस तरह का लगा सकते हैं, क्या क्या फीचर्स हैं इसके अंदर, इसके इस तरह से आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए ऑर्डर आपका हो चुका है। आप बिल्कुल ये चीजें ऑर्डर लॉग इन करके आप देख सकते हैं क्योंकि मैंने यहाँ पे लॉग इन नहीं किया था। ठीक है, तो इस तरह का इंटरफेस है। तो अब हम चलते हैं इसके फीचर्स की तरफ कि इसके फीचर्स क्या क्या होंगे, क्या इसमें फीचर्स किस तरफ से होगा नहीं होगा। इसके फीचर्स बहुत ज्यादा बहुत लंबा चौड़ा फीचर्स हैं, तो मैं फीचर्स बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि इसके बैकएंड किस तरह का होगा, किस टाइप का बैकएंड होगा, एडमिन के एडमिन जो होगा इसका एडमिन किस टाइप से होगा, कैसे काम करेगा। उसके बाद मैं आपको बता दूंगा कि इसका फीचर्स किस तरह का होगा। अच्छा, मर्चेंट अगर आप सेलर जोड़ना चाहेंगे तो शेयर का जो पैनल होगा वो पैनल किस टाइप से होगा, कैसे दिखेगा, तो आइए हम वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए कि सेलर का पेज है, आप सेलर का पेज किस तरह से स्टार्ट करेगा, जिस तरह से अमेज़न में सेलर का पेज होता है, फ्लिपकार्ट में सेलर का पेज होता है, सेम एज इट इज इसी तरीके से आपको यहाँ पे भी मिलने वाला है कि सेलर पेज कैसे स्टार्ट करिए। देखिए खूबसूरत सा एक लेआउट है जो सेलर पेज सेलर के लिए है। यहाँ गेट स्टार्ट पर क्लिक करेगा, इसमें दो ऑप्शन है, अगर आप सेलर का चाहे जुड़ना चाहे ये मंथली बेस पे, अगर जो सब्सक्रिप्शन करके जुड़ना चाहे तो मंथली बेस पे भी कर सकता है, और वो डिफरेंट का सब्सक्रिप्शन बेस पे करना चाहे बिल्कुल इजी सेलर कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से क्या आप मंथली चूज करेगा अपना, क्या किस तरह से काम करता है नहीं करता है, इसके बारे में पूरा फुल डिटेल दिया हुआ है। सिंपल है कि आपको मर्चेंट रजिस्टर्ड करना है, आपका प्रोडक्ट को लिस्ट करना है, और सेल एंड फुलफिल ऑर्डर और सेल करना है एंड गेट पेड इंस्टेंटली, और आपको पेमेंट मिल जाएगा बिल्कुल इंस्टेंटली, वीकली मिलेगा या फिर डे बाय डे मिलेगा, वो आपके ऊपर है कि आपसे कैसे बातचीत हो जाए। इसके बाद अगर आप प्राइस की बात कर लें तो आप इसमें तीन तरह का ऑप्शन देख सकते हैं कि इसमें का ऑप्शन है कि आप सब्सक्रिप्शन बन के काम कर सकते हैं, मल्टी ऑप्शन डाल सकते हैं, या फिर आप परसेंटेज बेस पे डालना चाहें तो परसेंटेज बेस पे भी आप डाल सकते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका खूबसूरत सा वो है, तीन आपका है, एक इंडिविजुअल है, एक बिजनेस है, एक प्रोफेशनल के हैं, ये एक सब्सक्रिप्शन ऑप्शन टाइप में दिया हुआ है। इसके अलावा कोई सेलर का कोई क्वेश्चन वगैरह होता है तो इस तरह के क्वेश्चन वगैरह बिल्कुल सेलर बिल्कुल देख सकता है, ये पूछ सकता है या कोई भी चीज जानकारी ले सकता है। अगर हमें अब इसके फीचर्स की बात कर लें तो फीचर्स इसके बहुत ज्यादा हैं, लगभग 33 पेज में इसके सिर्फ फीचर्स हैं, कि यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें 33 पेज अराउंड हैं, जो 33 पेज में इसके फीचर्स अवेलेबल हैं। तो मैं इतना लंबा लॉन्ग लेकर नहीं जाऊंगा क्योंकि अगर अब मैं लॉन्ग लेकर गया तो आप उकता जाएंगे, तो मैं सिर्फ वो चीज बताऊंगा जो मेन चीजें हैं, मेन चीजों को आप देखिए, उसके बाद मैं आपको क्या इसका जो मर्चेंट अकाउंट है वो मर्चेंट अकाउंट मैं इसका दिखा देता हूँ आपको, जो इसका मर्चेंट अकाउंट किस टाइप से होगा, इसका एडमिन पैनल किस तरह से काम करेगा नहीं करेगा, इन सारी चीजों के बारे में मैं थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं कि इसका एडमिन पैनल किस टाइप से काम करेगा। जी हाँ,
एडमिन पैनल में मैं लॉगिन करने की कोशिश करता हूँ। ये आपका है एडमिन पैनल। एडमिन पैनल बड़ा खूबसूरत सा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कस्टमर के लिए। जी हाँ दोस्तों, अब हम इसका देखते हैं कि इसका एडमिन पैनल किस टाइप से काम करेगा, नहीं करेगा और वो कैसे होगा। तो आप यहाँ पे देखिए, इसमें एडमिन पैनल का मैं लिंक ओपन कर चुका हूँ। हाँ, इसका जो यूजर नेम है वो यूजर नेम अब मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, और पासवर्ड, हाँ पासवर्ड भी यहीं पे रखा हुआ है, ये यही चीज में डाल देता हूँ। तो ये इस तरह से मैं लॉगिन कर लेता हूँ इसका एडमिन पैनल। तो ये देखें, ये आपका ओपन हो गया, ये सुपर एडमिन, बिल्कुल खूबसूरत सा एडमिन है क्या, और देखने में बड़ा अच्छा लग रहा है, यूनिक सा एडमिन है कि यहाँ पे आपको सबसे पहले कस्टमर का मिल जाएगा, यहाँ मर्चेंट के कितने हैं आपके पास वो मिल जाएगा। ये ऑनर के लिए है, टोटल आज के डेट में सेल कितना हुआ है, टोटल विजिटर कितना हुआ है आज के डेट में, सब कुछ आपको दिखेगा। पेंडिंग वेरिफिकेशन कितने हैं, और आपका यहाँ पेंडिंग अप्रूवल कितने हैं, ये सेलर के बारे में है। इस तरह से टॉप कस्टमर को, टॉप वेंडर कौन से हैं वो आपको यहाँ पे मेंशन होगा। विजिटर के लिए ग्राफिक आप यहाँ पे बिल्कुल देख सकते हैं, आराम से यूजली देख चीजें को आसानी से मैनेज किया जा सकता है। इस तरह से आप डैशबोर्ड, यहाँ पे आप कैटलॉग हैं, कैटलॉग आप देख सकते हैं, किसी भी तरह का आपको प्रोडक्ट डालना हो, आपका ग्रुप्स प्रोडक्ट डालना हो, सब ग्रुप्स प्रोडक्ट डालना हो, कैटेगरीज डालना हो, तो आप हर तरह की चीजें आप इसमें मेंशन कर सकते हैं, इसमें ऐड कर सकते हैं, बिल्कुल आसान ही है, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इस तरह से आपको ग्रुप्स प्रोडक्ट्स डालना हो तो आप ग्रुप्स प्रोडक्ट्स भी फंक्शनैलिटी आप इसमें डाल सकते हैं, बिल्कुल मैनेज कर सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, सेम इस तरह से एट्रीब्यूट आपको ऐड करना हो, मल्टी का एट्रीब्यूट ऐड करना, कोई कलर है, साइज है, कुछ भी इस तरह की चीजें आपको ऐड करना हो तो आप मल्टी एट्रीब्यूट ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ प्रोडक्ट्स की बात कर लें, अगर आप चाह रहे हैं कि आप सिंगल वेंडर के थ्रू काम करें तो भी सिंगल वेंडर के थ्रू काम कर सकते हैं, मल्टी वेंडर के थ्रू भी काम कर सकते हैं। अगर आप चाहें कि इसमें क्या प्रोडक्ट खुद से डालें तो आप डाल सकते हैं, बिल्कुल आसानी है, ईजी है। आप इसके प्रोडक्ट्स का, आप इसमें क्या फाइल चाह रहे हैं तो वो सीवीएस फाइल भी का आपको वन क्लिक पे आपको डाउनलोड हो जाएगा। पीडीएफ में चाह रहे हैं, एक्सेल फाइल में चाह रहे हैं, या प्रिंट में चाह रहे हैं, आपको सब मिल जाए। देख रहे हैं कितना खूबसूरत से आप प्रिंट में आपका आ गया, आप इसको प्रिंट में भी निकाल सकते हैं, या फिर आप पीडीएफ में निकालना चाहे निकाल सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये चीजें क्या इसमें है, अगर आपको इम्पोर्ट करना हो प्रोडक्ट्स तो आप बिल्कुल इम्पोर्ट भी कर सकते हैं, प्रोडक्ट ऐड करना हो तो आप प्रोडक्ट भी ऐड कर सकते हैं, आसान है, इजी है, ज्यादा कोई मुश्किल चीज है नहीं, इस पे सिंपल है। ठीक है, तो इस तरह की चीजें आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम आगे बात कर लें तो ये भी बड़ा खूबसूरत सा है, आपका यहाँ पे यूजर का डेटाबेस है, यूजर कहाँ से है, नहीं है, किस तरह से एडमिन, ये एडमिन आप यहाँ से डाल सकते हैं, यूजर इस तरह से आराम से एडमिन यूजर जो होंगे वहां पर कर सकते हैं। कस्टमर कितने हैं, नहीं है, उसके बारे में जानकारी लेना हो तो आप यहाँ पे कस्टमर ऐड करना चाहें, या कस्टमर की चीजों को निकालना चाहें एक्सेल फाइल में, या कस्टमर के डेटा को निकालना चाह रहे हैं डेटा के फाइल में, फॉर्मेट में, ताकि आप उनसे रابطہ कर पाएं। इस तरह से वेंडर हैं, वेंडर का आप मर्चेंट वेंडर आप ऐड करना चाहें ऐड कर सकते हैं, शॉप कोई नया शॉप है, ये नया शॉप को आप इसमें डाल ऐड करना चाहें, किसी नए वेंडर के वेंडर के नए शॉप को, जैसे एक एक इसलिए दोनों चीज अलग है कि अगर एक वेंडर है उस एक वेंडर के बहुत तीन चार शॉप है, तीन चार स्टोर है, तो ऐसा भी चीजें यहाँ पे पॉसिबल है, यानी मल्टी स्टोर जिसे हम कहते हैं, या मल्टी शॉप। ठीक है, एक वेंडर के मल्टी शॉप हो सकता है, पॉसिबल है। इस तरह से डेस्क सपोर्ट की बात है, तो डेस्क सपोर्ट में आपको, आपके पास कोई भी कस्टमर कोई मैसेज करना चाहता है तो मैसेज कर सकता है, मैसेज करके आपको उनका जो रिप्लाई कर सकते हैं। इस तरह से कि यहाँ पे क्या बात कर लें तो इसके जो आपका थीम्स हैं, आप मल्टी थीम आप इसमें इनेबल कर सकते हैं। जो आपका होम पेज है उस होम पेज में आप मल्टी डिजाइनिंग ला सकते हैं। ठीक है, इस तरह से बैनर्स वगैरह हैं, बैनर्स जो भी आप बैनर्स डालना चाहें तो आप बिल्कुल प्रोडक्ट्स के बारे में भी बैनर वगैरह
ऐड कर सकते हैं। किसी प्रोडक्ट को किसी के साथ ऐड करना चाहें बिल्कुल ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा स्लाइड की बात कर ले, जो होम पेज में स्लाइड है तो वो स्लाइड भी आप आराम से इजीली चेंज कर सकते हैं। इसके लिए मोबाइल का लुक बिल्कुल अलग रहेगा, मोबाइल का स्लाइड बिल्कुल अलग रहेगा, डेस्कटॉप का स्लाइड बिल्कुल अलग रहेगा। दोनों चीजें आपको यहाँ पे मिलने वाला है। इसके अलावा थीम ऑप्शन इसमें भी दिया हुआ है, एक ऑप्शन से अगर आप एडिट करना चाहें तो आप बिल्कुल एडिट कर सकते हैं। सेटिंग्स में देखते हैं क्या क्या चीजें हैं। सेटिंग्स में आपको प्लानिंग का प्लान्स हैं, क्या इंडिविजुअल प्लान है या मल्टी प्लान अगर आप करना चाहें तो आप इसमें सेटिंग में कर सकते हैं। यूजर रोल क्या क्या है इसमें वो भी देख लेते हैं। अगर किसी को अगर एडमिन बनाना हो, यूजर बनाना हो तो ऐसा बना सकते हैं। जैसे वेंडर है, एक एडमिन है, एक मर्चेंट है, एक आपका मॉडरेटर है या फिर ऑर्डर होल्डर है, तो ये सारी चीजें आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा सिस्टम सेटिंग, कोई सेटिंग सिस्टम करना है वेबसाइट के अंदर, कोई सिस्टम सिस्टमेटिक वे पे करना हो, करेंसी चेंज करना हो, किसी भी टाइप की करेंसी हो, आप हर तरह के करेंसी में इसमें डील कर सकते हैं। अगर मैं इंडियन हूं तो मैं इंडियन की करेंसी में यहाँ पे डील कर सकता हूँ, डॉलर है, इस तरह से किसी भी टाइप की अगर करेंसी अगर आप चाह रहे हैं तो आप बिल्कुल आसानी से इजिली इसको मेंशन कर सकते हैं। ये लोगो अगर आपको चेंज करना हो, आप अपना लोगो, ब्रांड, आइकन, ये सारी चीजें आराम से इसको आप चेंज कर सकते हैं। बिल्कुल आसान सा है, ज्यादा कोई मुश्किल और मगजमारी की चीजें नहीं है। यहाँ पे क्या आप देखें कितना खूबसूरत है और बहुत सारी चीजें हैं। तो खैर ये बहुत चीजें, आप बिजनेस एरिया कौन कौन सी है तो यहाँ पे पूरा यहाँ पे जो दिया हुआ है कौन कौन सी कंट्री में अभी ये बिजनेस एरिया है फिलहाल, तो आप इसके अलावा जितने भी कंट्री में चाहें आप बिजनेस एरिया इसको मेंशन कर सकते हैं। चाहे आप इसको वर्ल्ड वाइड भी करना चाहें, आप बिल्कुल दैट इज पॉसिबल कि आप वर्ल्ड वाइड भी आप इसी के थ्रू कर सकते हैं, मल्टी करेंसी, मल्टी चीजों के अकॉर्डिंग, मल्टी प्रोडक्ट्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, आप करेंसी की बात कर ले तो आप करेंसी इसमें जितना चाहें आप ऐड कर सकते हैं। अभी फिलहाल इतने करेंसी ऐड है। ठीक है, अगर आप दुबई के हैं, यूएई से हैं तो आपको यहाँ पे करेंसी भी आपको मिल जाएगा। आप या कोई करेंसी ऐड करना हो तो आप बिल्कुल करेंसी भी ऐड कर सकते हैं। तो ये वर्ल्ड वाइड है, आप कहीं भी इस तरह के प्लेटफॉर्म आप मैनेज कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देख रहे हैं ये सारी करेंसी मौजूद है, आपको जो भी करेंसी में आपको बिजनेस करना हो आप उसी टाइप की करेंसी में बिल्कुल बिजनेस कर सकते हैं। किसी भी कंट्री का चाहिए, इधर ये बिटकॉइन भी अवेलेबल है तो हर तरह के करेंसी इसमें अवेलेबल है। अब बात कर लेते हैं लैंग्वेजेस की, तो कौन कौन सी लैंग्वेजेस आप इसमें डाल सकते हैं, ये कौन कौन सी लैंग्वेजेस कर सकते हैं। तो इसमें बहुत सारे जो फेमस लैंग्वेजेस हैं इसमें अवेलेबल हैं, बल्कि इंडिया के वर्ल्ड की तकरीबन सारी लैंग्वेजेस मौजूद हैं यहाँ पे। इंग्लिश कर ले, अरबिक कर ले, या फिर हिंदी कर ले, और अगर आप आगे देखें तो इसके अंदर टर्किश वगैरह बहुत सारे, इंडोनेशियन वगैरह बहुत सारी चीजें हैं, तो बहुत सारे लैंग्वेजेस भी। अगर आपके पास कोई लैंग्वेज नहीं है तो वो लैंग्वेज आप बिल्कुल आसानी से उसको ऐड भी कर सकते हैं। जी हाँ, आप उसको ऐड भी कर सकते हैं, ऐड करके उसको सेव कर सकते हैं, और अपना जिस लैंग्वेज यूज करना चाहें आप आसानी से यूज कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे ईमेल के टेम्पलेट्स की बात कर लें, यानी इसका मतलब यह है कि आप अगर अपने मर्चेंट को भेजना हो, मैसेज भेजना हो, नोटिफिकेशन भेजना हो तो आप ये भी चीज बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। कि आप चाहे कि मैसेज को या कोई मैसेज भेजना चाह रहे हैं, कोई नया ऑफर की डिटेल भेजना चाह रहे हैं तो ये भी आप कर सकते हैं। किसको भेजना है आपको वो भी देखना है कि मर्चेंट को भेजना है या फिर प्लेटफॉर्म पे भेजना है, यानी जितने आपके यूजर हैं उनको भेजना है। सेंडर नेम डालना है, जो भी सेंडर नेम आपका रहेगा वो नेम डालना है, और उसी नेम के अकॉर्डिंग जो आप आसानी से मैसेज कर सकते हैं। जी हाँ, इसके बाद पेजेस वगैरह है, आप पेजेस वगैरह ऐड करना चाह रहे हैं, कॉन्टेक्ट अस, अबाउट अस, प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म एंड कंडीशंस, तो वो सारे पेजेस भी आपको यहीं से बिल्कुल ऐड करने का मौका मिल जाएगा। अगर आप ब्लॉगिंग करना चाह रहे हैं, देखिए बहुत सारी चीजें हैं, आप ब्लॉगिंग करना चाह रहे हैं आप ब्लॉगिंग भी कर सकते हैं। ब्लॉगिंग की पोस्ट को अगर आप सेव करना चाह रहे हैं, प्रिंट करना चाह रहे हैं, बिल्कुल पॉसिबल है। इस तरह से एफएक्यू है,
है, बड़ा खूबसूरत सा डिजाइन है और इस डिजाइन के अंदर बहुत सारी चीजें अवेलेबल हैं। एफएक्यू अगर यहाँ पे कोई चेंज करना चाह रहे हैं, मेंशन करना चाह रहे हैं, बिल्कुल आसानी से आप ये कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप रिपोर्ट के अगर लेना चाह रहे हैं तो आप रिपोर्ट भी ले सकते हैं, देख सकते हैं कि आज के डेट में कौन से विजिटर आए, कौन से आईपी एड्रेस से आए, नहीं आए, कितने पेज उन्होंने व्यू किया, नहीं किया, लास्ट टाइम उन्होंने कितने टाइम पहले उन्होंने वो किया था, वॉच टाइम, उसके वॉच टाइम क्या थी, उनका फ्लैग क्या था, ये सब कुछ आपको दिख जाएगा। आप आसानी से चीजों को ट्रैक कर सकते हैं। तो है ना कमाल, कितना खूबसूरत सा डिजाइन है और कितने के बेहतरीन से डिजाइन है। अब हम बात कर लें इसके नोटिफिकेशन के बारे में। तो आप यहाँ पे नोटिफिकेशन कोई नया आना आने वाला हो तो नया नोटिफिकेशन, मेल वगैरह, ये चीजें यहाँ पे पॉसिबल है। अब हम बात कर लेते हैं इसके मर्चेंट अकाउंट की। तो मर्चेंट अकाउंट आपका किस तरीके से दिखेगा, तो आइए हम मर्चेंट अकाउंट भी ओपन कर लेते हैं। यानी अगर आपके सेलर हैं या वेंडर हैं तो वेंडर का अकाउंट किस टाइप से दिखेगा, नहीं दिखेगा, इन सारी चीजों के बारे में आइए हम जानते हैं। तो अब मैं लॉग इन कर लेता हूँ वेंडर के रिगार्डिंग। तो ये आपका वेंडर पैनल है, यहाँ पे क्या आपको वेंडर पैनल में भी आपको सेम इस टाइप से दिखेगा कि उनके ऑर्डर कितने आए, नहीं आए, ऑर्डर के कौन कौन से ऑर्डर अभी आने वाले हैं या कौन से ऑर्डर पेंडिंग है, कौन से पेड़ है, कौन से पेड़ है, ये सब कुछ आपको यहाँ पे मिलने वाला है। आप प्रोडक्ट्स के ऐड करेंगे, एट्रीब्यूट्स ऐड करना चाहेंगे, आप खुद से भी क्या एट्रीब्यूट ऐड कर सकते हैं अपने हिसाब से, जो भी है। अगर आप ग्रोसरी के हैं, आपके प्रोडक्ट्स अगर आपके इलेक्ट्रॉनिक के हैं, आपके प्रोडक्ट क्लॉथिंग के हैं, कुछ भी किसी भी टाइप के अगर प्रोडक्ट्स हैं उसके हिसाब से आप अपना एट्रीब्यूट ऐड कर सकते हैं। एट्रीब्यूट इट मीन्स किलो, कलर, साइज, इस टाइप की चीजें होती हैं। इसके बाद आप प्रोडक्ट्स की बात कर ले तो प्रोडक्ट्स के भी बड़ा इंटरफेस बड़ा जबरदस्त है। आप इसमें मल्टी प्रोडक्ट्स अपलोड करना चाह रहे हैं, इंपोर्ट करना चाह रहे हैं, बिल्कुल आसानी से आप इसमें इंपोर्ट कर सकते हैं। इसका सैंपल्स आपको यहाँ पे मिला हुआ है, उस सैंपल्स के अकॉर्डिंग कैटलॉग तैयार कर सकते हैं और कैटलॉग तैयार करके आप इसमें डाल सकते हैं। या फिर चाह रहे हैं कि नहीं आपको सिंगल सिंगल प्रोडक्ट डालना हो, ऐड करना हो, तो आप यहाँ पे बिल्कुल सिंगल सिंगल प्रोडक्ट्स भी ऐड कर सकते हैं। मल्टी कैटेगरी ऑप्शन है कि आप किसी भी टाइप की कैटेगरी में किसी भी चीज के इसमें के आप प्रोडक्ट्स आप डाल सकते हैं। जैसे अगर आप कोई भी कैटेगरी आप ले लीजिए तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे सर्च कर लीजिए, उसके सर्च करके आप चीजों को बिल्कुल आसानी से मैनेज कर सकते हैं। मैन्युफैक्चर जो डिटेल, अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं तो आप, या फिर आप प्रोडक्ट्स को बनाने वाले हैं तो भी आप इसमें अपना नाम वगैरह, एड्रेस वगैरह, मैन्युफैक्चरिंग वगैरह एड्रेस चीजें आप इसमें ऐड कर सकते हैं। स्टॉक कितना है, नहीं है, उसको मैनेज करना हो तो आप बिल्कुल स्टॉक मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे आराम से। यहाँ पे वेयर हाउस कितने हैं, वेयर हाउस के सप्लायर कितने हैं, वो चीजें भी आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। ये डैशबोर्ड वाले, अगर एक मर्चेंट के पास तो 5-6 सप्लायर हैं, 5-6 वेयर हाउस है तो सब वेयर हाउस मैनेज कर सकता है। जैसे अगर एक वेयर हाउस दिल्ली में है, एक वेयर हाउस मुंबई में है, एक वेयर हाउस हैदराबाद में है, एक वेयर हाउस आपका बेंगलुरु में है, तो इस तरह के डिफरेंट डिफरेंट वेयर हाउस चीजें मेंशन किया जा सकता है ताकि कस्टमर को डिलीवरी करने के टाइम में बिल्कुल इजीली आसानी से उसको ऑर्डर ये मैनेज कर सके। इस तरह से ऑर्डर कितने आया, नहीं आया, ऑर्डर का आज के डेट में कितना है, नहीं है, ये सारी चीजें अगर आपको मैनेज देखना हो तो आप ये चीजें भी देख सकते हैं। कार्ड्स का कार्ड का ऑप्शन है, कितना ये कार्ड के ऑप्शन भी चीजें यहाँ पे मेंशन है। इसके अलावा एडमिन पैनल है, एडमिन पैनल का यूजर कितना है, नहीं है, क्या चीज इसमें इनेबल है, नहीं है, सारी चीजें आप यहाँ पे कर सकते हैं। ये किसी का अगर जो आपके वेंडर हैं, वेंडर को अगर कोई केयर की है, या फिर आप पैकेजिंग की डिटेल देखना चाहे डालना चाह रहे हैं, या शिपिंग जोन देखना चाह रहे हैं जो कौन कौन से आपके पास शिपिंग जोन है अवेलेबल है, तो वो शिपिंग जोन भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। बिल्कुल सिंपल है, आप ऐड न्यू पे क्लिक करें, अपना शिपिंग का नाम डालें, सिलेक्शन पे क्लिक करें, एक्टिव इनएक्टिव जो भी का उसको करना है आप कर सकते हैं। यहाँ पे शिपिंग कंट्री का नाम है जो भी, उसके बाद यहाँ पे टैक्स का है, उसके बाद आप अपना शिपिंग जोन ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा प्रमोशन की बात कर लें तो प्रमोशन में आप अपना कूपन ऐड कर सकते हैं, अगर आप सेलर हैं तो सेलर भी कूपन जनरेट कर सकता है, ठीक है। इसके अलावा क्या आप
सपोर्ट टिकट की बात कर लें तो सपोर्ट टिकट भी आपको यहाँ मैनेज कर सकते हैं। कौन कौन से आप टैक्स इसमें ऐड करना चाह रहे हैं, 5%, 6%, 8% जो भी जिस तरह के टैक्स है वो आप टैक्स इसमें मेंशन कर सकते हैं। हाँ, जैसे अगर आपको टैक्स आपको जीएसटी ऐड करना हो तो आप बिल्कुल जीएसटी इसमें ऐड कर सकते हैं। अपने कंट्री के अकॉर्डिंग आप बिल्कुल जीएसटी ऐड करना चाहे आराम से ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप जनरल कॉन्फ़िगरेशन की बात कर लें तो जनरल मतलब अपने शॉप को सेट करना है, एडिट करना हो, चेंज करना हो, आइकन लगाना हो तो वो चीज़ें आप सेलर आराम से इसको कर सकते हैं। इस तरह से पेमेंट मेथड की बात कर लें तो पेमेंट मेथड इसमें पेपाल का, स्ट्राइप वगैरह के या इस तरह से जो भी लोकल का होगा वो सारे चीज़ों के इनके थ्रू यहाँ पे पेमेंट ले सकता है सेलर, ठीक है। इसका सेलर अगर रिपोर्ट देखना चाहें कि उसका रिपोर्ट क्या है, नहीं है, कितने कस्टमर आए, कितने ऑर्डर हुआ, नहीं हुए, रिपोर्ट निकालना चाहे निकाल सकता है, देख सकता है। इवन ये रिपोर्ट अगर पीडीएफ में निकालना चाहे या फिर एक्सेल फाइल में निकालना चाहे, मंथली वाइज निकालना चाहे, जैसे करना चाहे सब कुछ पॉसिबल है। तो जी हाँ, आगे बड़े इंटरेस्टिंग चीज है, चीजों को मैंने अभी तक तो सिर्फ मैंने आपको बताया किस टाइप से की चीजें हैं। अगर मैं इसके फीचर्स की बात करने लग जाऊं तो मेरे ख्याल से और आधा घंटे लग जाएंगे। इसमें लगभग 33 पेजेस हैं, बट मैं आपसे कि इतना लंबा चौड़ा मैं फीचर्स के बारे में बात नहीं करने वाला हूं। आपने जो देख लिया ऑलरेडी के सारे फीचर्स देख ही लिए हैं। मैं इसमें कुछ चीजें जो मैं आपको मैं बता दूं, इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं कि ऑर्डर इनवॉइस रिस्ट्रिक्शंस पीडीएफ, अगर कोई ऑर्डर करेगा तो इनवॉइस जो है जनरेट हो जाएगा, ऑटोमेटिकली जनरेट होगा, वो चीजें पॉसिबल है। इसके अलावा कंप्लीट इनबॉक्स मॉडल फॉर द कस्टमर्स के पास कम्प्लीट इनबॉक्स मॉडल मिले, वेंडर का भी इनवॉइस आपको मिल जाएगा। इस तरह से आपका सेलर जो ऑप्शन होगा प्रोडक्ट पेज का, उसका सेलर पेज भी ऑप्शन इसमें अवेलेबल है। न्यू कस्टमर का एक डैशबोर्ड है जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। ये काम किस तरीके से करेगा ये भी जानना बहुत जरूरी है, बिल्कुल ईजी स्टेप है कि बिल्ड योर मार्केट प्लेस विद जेड कार्ड। आप अपना नाम रखेंगे, जो भी कंपनी का नाम है वो नाम रखेंगे, जेड कार्ड पे अपने कंपनी का बिल्डअप करनी है और उस किस तरह से काम करेगा, कैसे करेगा, वो सब कुछ मैं आपको यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, बता देता हूँ ये किस तरीके से काम करेगा। उसके बाद क्या है नाम है कि ये बिल्डअप करनी है, बिल्डअप करने का प्रोसेस बिल्कुल सिंपल है कि आपको रजिस्टर्ड करनी है, रजिस्टर्ड करके सेल कर रजिस्टर्ड करनी है। उसके बाद यहाँ पे आपको जो कमीशन मिलेगा, अगर आप ऑनर है तो कमीशन आप यहाँ पे दो टाइप से ले सकते हैं, यू अर्न फ्रॉम सब्सक्रिप्शन, के सब्सक्रिप्शन बेस पे भी आप पैसे कमा सकते हैं और चाहे तो परसेंटेज बेस पे भी चाहे परसेंट कमा कमा सकते हैं। यहाँ पे के इस तरह के आपको सेटअप का मिलेगा, सेटअप विजार्ड वगैरह के मिलेगा। की फीचर्स की बात कर लें तो आप यहाँ पे मल्टीपल वेज हैं इसे की फीचर्स की, बहुत सारी चीजें इसमें अवेलेबल हैं, आप इसमें देख सकते हैं सेलर कमीशन, ट्रांजेक्शन फी, तो ये सारे क्या तीन तरह के आपको चीजें होंगी, मंथली सब्सक्रिप्शन, सेलर कमीशन और उसके बाद ट्रांजेक्शन फी, इस तरह तीन चीजें हैं। अगर आप पेमेंट ऑप्शन की बात कर लें तो पेमेंट ऑप्शन बहुत सारे हैं, इंडिया में भी और आउट ऑफ इंडिया में भी, पेपाल है, स्ट्राइप है, इस तरह से बहुत सारे पेमेंट इंस्टा मोजो भी हैं। इसके अलावा का आप सीओडी का ऑप्शन भी अवेलेबल है। अगर आप बेस्ट शॉपिंग एक्सपीरियंस की बात कर लें तो वो सब भी के चीजें पॉसिबल हैं यहाँ पे के आप बेस्ट कार्ड के हिसाब से है, आप एक्सप्रेस चेकआउट के हिसाब से गेस्ट चेकआउट भी है, मल्टीपल शॉपिंग के कार्ड्स आपको मिल जाएंगे इस पे, ट्रैकिंग का ऑप्शन भी अवेलेबल है, बायर क्या रहे के सेलर अपडेट एंड ट्रैकिंग नंबर एंड बायर कैन ट्रैक बियर का ऑर्डर को राइट फॉर्म ऑर्डर के सेक्शन इनके हिज हर अकाउंट, तो यहाँ पे ट्रैकिंग का सिस्टम भी अवेलेबल है। इसके अलावा इजी टू फाइंड प्रोडक्ट्स की बात कर लें कि प्रोडक्ट्स बड़ा क्या ये करना, सर्च करना बड़ा आसान, इसका एल्गोरिथम जो है बिल्कुल इजी है, ये एल्गोरिथम टाइप में काम करेगा, ये डायनेमिक फिल्टर भी हैं, आप इसका लिंक्ड आइटम भी कर सकते हैं, रिलेटेड आइटम भी कर सकते हैं, ट्रेंडिंग नाउ भी में भी चीजें कर सकते हैं। अगर आप कैटलॉग सिस्टम की बात कर लें तो ये लुक लाइक अमेज़न की तरह है, कैटलॉग सिस्टम बिल्कुल सेम एज इट इज अमेज़न की ही तरह है, सिंगल प्रोडक्ट्स तो मल्टी सेलर के एक ही प्रोडक्ट्स का मल्टी सेलर भी पॉसिबल है, मतलब एक प्रोडक्ट के 4-5 सेलर भी पॉसिबल है, जैसे कि अमेज़न में है 3 लेवल ऑफ द कैटलॉग, कैटलॉग के अंदर 3 लेवल की चीजें अवेलेबल हैं, 3 सब मॉडल लाइक ग्रुप एंड सब ग्रुप एंड कैटेगरी टू ऑर्गेनाइज द कैटलॉग
इफेक्टिविटी कि आप कैटलॉग को बड़ा आसानी से इसे इफेक्टिव करना चाहें कर सकते हैं, यानी अगर होम में थ्री लेवल की चीजें मतलब क्या कैटेगरी तीन तरह के कैटेगरी सब कैटेगरी कैटेगरी तरह का डाल सकते हैं, ग्रुप डाल सकते हैं, ठीक है। इस तरह से फीचर्स कैटलॉग की बात कर लें तो फ्रंट एंड फीचर्स हाई इंपॉर्टेंस कैटेगरीज की कैटेगरीज के जो फ्रंट एंड फीचर्स से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका प्रोडक्ट्स एट्रीब्यूट है या डायनेमिक है, आप इसे जितना चाहें जैसा चाहें आप इसमें कर सकते हैं। कैटलॉग के अगर रूल की बात कर लें वो भी चीज इसमें अवेलेबल है। तो इस तरह के बहुत सारी चीजें हैं, सुपर कडैश की है, मैं आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। मैं अगर इसके बारे में बताने लग जाऊं तो बहुत टाइम लगेगा। न्यूज़लेटर है, कूपन है, गिफ्ट कार्ड है, विशलिस्ट है, इसके अलावा बहुत सारी आपको चीजें आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए कितनी चीजें क्या अवेलेबल हैं, आप कौन कौन सी चीजें इसमें ऐड कर सकते हैं। हाँ, ये इनके मोबाइल ऐप के इंटरफेस है, देखिये कितना खूबसूरत सा मोबाइल ऐप का इंटरफेस है, ठीक है। तो ये एक मोबाइल ऐप इंटरफेस के आपको इस तरह से मिलेगा और ये भी बड़ा खूबसूरत है, उसमें भी बहुत सारी चीजें ये सारी चीजें अवेलेबल हैं। ये देखिए इसका नाम है की फीचर्स डिस्काउंट, ये सारी चीजें अवेलेबल हैं। तो ये मैं एक आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, आप ये सारी चीजें बिल्कुल आसानी से इजीली आप इनको देख सकते हैं, मैनेज करना चाहे मैनेज कर सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इस टाइप की मोबाइल साइट अगर आपको बनानी हो या आप बनवाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल इजीली हमसे आप कांटेक्ट करना चाहते हैं। कांटेक्ट डिटेल हमारे डिस्क्रिप्शन के में मिल जाएगा। ऑर्डर अगर आप देना चाह रहे हैं किसी भी लैंग्वेज में, किसी भी चीज के इसमें डिपार्टमेंट में, ठीक है, फिर मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत, खुदा हाफिज़।